धम्म दीप दान उत्सव, या धम्म दीप दान उत्सव जिसको आज की डेट में जो प्रचारित किया जा रहा है या प्रचारित हो रहा है या पहले से था, दीप दानो उत्सव यानी दीप दानो उत्सव। इसमें अगर हम धम्म लगा देते हैं तो पता चलता है कि धम्म का दीप है, उसका दान देना है, उसका उत्सव है। धम्म नहीं लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दीप है, उसका दान है और उसका उत्सव है। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा वाद विवाद नेट पे पूरे 3-4 दिन चला, क्योंकि लोग इस समय छुट्टी का आनंद लेते हैं, दफ्तरों में कहीं काम नहीं होता और हमारे जो लोग हैं वो व्यापारी हैं नहीं, किसान भी उन दिनों मौज मस्ती में होते हैं, मजदूरों को कोई काम खास होता नहीं। जिनके पास नेट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उन्होंने अपने दिमाग की, अपने मस्तिष्क की खूब एक्सरसाइज की और ये बहुत अच्छी बात है किसी जीवित समाज के लिए कि उसकी चर्चा परिचर्चा वाद और विवाद चलता रहे। इससे उसके मानसिक स्तर के सुधरने का, बढ़ने का और उसके जागृत होने का पता चलता है। जो लोग खाली इसको ऐसे ही मान लेते हैं उनको पता चलता है कि उनका जो मन और मस्तिष्क है वो मृत्यु के बराबर है, मरा पड़ा है। ये इसके जो पक्ष में, दीपोदान उत्सव के पक्ष में कई विद्वानों के जो आलेख आए और इसके विरोध में कई आलेख आए, वो दोनों ही आलेख इस वीडियो के बाद में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले ये देखें कि दीपोदान उत्सव का अर्थ क्या है। दीप दान ओ उत्सव, यहाँ दान का मतलब जो समझा जाता है वो ऐसा होता है कि जैसे हम किसी को दे रहे हैं यानी ऑफर कर रहे हैं। दान का मतलब है कि जैसे रुपये दान देना, धन दान देना, जमीन दान देना या मत दान देना। दान का जो पाली में अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है देना यानी गिविन, यानी दिया जा रहा है। और धम्म का जो दान है और धम्म दीप का जो दान है वो ऐसे ही नहीं दिया जाता, उसको पहले याचना करके मांगना होता है। यानी कि जो दीप है, और दीप का मतलब यहाँ धम्म है, और धम्म दीप का मतलब है धम्म का प्रकाश। इसको अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि बहुत सारे लोग जो और भी लोग हैं वो दीपोत्सव मना रहे हैं। दीपोत्सव का मतलब होता है कि एक दीप जलाना और उसका उत्सव मनाना, वो फेस्टिवल है। मगर धम्म दीप दान उत्सव का मतलब है कि आपको धम्म दिया जा रहा है और उस धम्म देने का उत्सव चल रहा है, जो धम्म आपने लिया है। मगर धम्म की, दीप की, दान की जो शर्त है वो है कि आपको पहले याचना करनी पड़ेगी, ओकास अहं भन्ते, पूरी की पूरी ये याचना, तब जाके वो आपको पंचशील तीसरण देंगे, तब आपको धम्म को मिलने की शुरुआत होगी। इसलिए ये जो धम्म दीप दान उत्सव या धम्म दीप प्रकाश उत्सव या धम्म प्रकाश उत्सव या जो उसको प्रकाश उत्सव बोलें या प्रकाश उत्सव बोलें या लाइट फेस्टिवल बोलें या जिसमें एनलाइटमेंट होती है यानी कि जिसमें जागृति होती है, प्रज्ञा जागती है, इंग्लिश में कहें एनलाइटमेंट उत्सव यानी फेस्टिवल, ये कोई साधारण नहीं है। यानी धम्म दीप दान उत्सव बहुत पहले से, प्राचीन से असाधारण बात है। बुद्ध ने जीवन भर धम्म का, दीप का, दान का उत्सव मनाया और उस समय के बाद जो पुरानी महिलाएं हैं वो सारी पुरानी महिलाएं अपने घर में एक दीप देसी घी का जलाती आई हैं, तेल का जलाती आई हैं, या जो भी उनके पास में तेल या साधन है उसका जलाती आई हैं। बाद में ये प्रथा बनी कि दीप जलाने से घर की बीमारियां दूर दूर होती हैं, घी जलाने से घर की बीमारियां दूर होती हैं। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा ना भी हो, मगर वो जो धम्म का प्रकाश है उसको रोज जलाती हैं, रोज उसको याद दिलाती हैं कि तुम्हारा तीसरण पंचील ये धम्म का प्रकाश है और ये धम्म का प्रकाश आपको ऐसे करके करना है। इसलिए दीपोदान का जो मतलब है, वहाँ धम्म के दीप को देने का उत्सव है। जिसने धम्म लिया है उस दिन, जिसने धम्म की प्रैक्टिस की है, जिसके परिवार ने धम्म को सीखा है, जिसके परिवार ने धम्म को जाना है, जिसने धम्म की देशना की है, जो धम्म के बारे में सीखना चाहता है, जिसने धम्म मांगा है, तब तो ये धम्म दीप दान उत्सव है। और अगर ये नहीं है तो जैसे प्रैक्टिस इसकी बाद में ख़राब होकर अभी आ गई है वैसी ही प्रैक्टिस है। इसलिए अगली बार कोशिश करें कि जब धम्म दीप दान उत्सव मनाएं तो बाकायदा धम्म लें, याचना करें, उसकी धम्म की प्रैक्टिस करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, 5 दिन करें और छठ तक करें। छठ में बड़ी मुश्किल होती है, छठ के बाद भी करें, क्योंकि बुद्ध ने जब अपने घर वापस आए थे तो 4 महीने वहाँ रहे थे और छठा दिन सबको भारी पड़ता है। इसलिए छठ जो आता है, कहते हैं छठी का दूध याद आ गया, वो छठी का दूध इसलिए क्योंकि धम्म का दान का छठी का दिन बहुत भारी होता है। सारी दुनिया जानती है कि जो
भगवान बुद्ध हैं, सुगत बुद्ध हैं, वो एक ऐतिहासिक करैक्टर हैं, यानी कि जीवित करैक्टर रहे हैं। उनका जो काम है और जो आसपास बिखरे हुए जितनी चिन्ह या जितनी बिल्डिंग्स हैं या जितनी जगह हैं, जितने नाम हैं, वो सारे के सारे पाए जाते हैं, वो सब मिलते हैं। समय भी मिलता है, स्थान भी मिलता है, जगह भी मिलती है, और जो उन्होंने दिया वो पूरी दुनिया में मान्य है, उसको बार बार चेक किया जाता है और वो सच निकलता है। एक चूँकि जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो बुद्ध के लगभग 400-500 साल बाद बननी आरंभ हुई। पहली बुद्ध की जो स्टैचू है, मूर्ति है, वो सम्राट अशोक ने शिलालेखों में या जो पत्थर के जितने भी स्तंभ थे या जितनी भी चीज़ें थी उनमें गुदवाई, उनमें बनवाई। ऐसी ही एक मूर्ति जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, वो एक स्त्री बीच में खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर दो नागवंशी हैं, यानी नाग हाथी को बोलते हैं, दो हाथी हैं, एलिफेंट है। उस समय हाथी कम नाग बोला जाता था, नाग ज़्यादा था। नाग का मतलब सप या सांप या स्नेक नहीं होता। नागवंश बहुत बड़ा वंश है भारत के अंदर, नाग लोग बहुत ज़्यादा हैं, अधिकतर लोग नाग हैं। जितने भी एससी एसटी ओबीसी हैं या जो धर्म परिवर्तित लोग हैं जो पहले धर्म में नहीं थे, वो सभी नागवंशी लोग हैं। वो जो नाग हैं दो, वो कुछ बरसा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उनके सूंड में दो कुंभ हैं, कुंभ हैं इसका मतलब दो घड़े हैं, मटके हैं। पहले मटके ही होते थे मिट्टी के, वही बनते थे। एक मटका आज की डेट में मैंने जो बिल्कुल लाइव है वो मैंने नालंदा में देखा है, जो खुदा हुआ था। एक नालंदा वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें कुंभ दिखाया गया है। वहाँ से जो बरस रहा है वो बरस रहा है धान, क्योंकि पहले धन नहीं होता था, धन बहुत बाद में जाके बना है धान। और लाखों धान बरस रहा है इसलिए उसको लक्ष्मी बोलते हैं, लख बोलते हैं, लक्खी बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं, यानी लाखों धान बरस रहा है। और वो जो लाखों धान बरस रहा है, बरस का मतलब है बरसा से है, क्योंकि पहले जो साल था वो बरसा से ही आता था। जो गिमी काल, जो गिमिक काल की यानी गिमी की गर्मी की जो फसल है उसका समापन समारोह हो रहा है, और ये धान तिरस वाले दिन लगभग बनता है बुद्ध के बहुत पहले से। ये जो यहाँ आपको फोटो दिखाई जा रही है, इस फोटो में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो ये फूल बने हुए हैं, ये फूल धान की बालियाँ हैं। आप देखेंगे धान की बाली लंबी ना करके थोड़ी सी बनाई गई है, और ये धान की बालियाँ हैं, क्योंकि धान बहुत प्रमुख फसल रही है और ये धान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन जीने के लिए होती थी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, इसलिए इसकी मान्यता भी है। तो सारे के सारे जो नागवंशी लोग हैं वो अपनी कुल माता, क्योंकि जो उनके घर में सबसे बड़ी स्त्री होती है, उस स्त्री को धन धान से भर रहे हैं, उसको सुख और ऐश्वर्य दे रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं कि देखो हमने इतना धान कमाया है, और ये लाखों धान है जो लाखों धान बरस रहा है बारिश की तरह, पानी की तरह। ये फोटो ये बताती है कि ये कृषि प्रधान देश के अंदर धान की कितनी मान्यता रही है, इसलिए इसको जो बोला जाता है नाम, इसको धान लक्ष्मी बरस बोला जाता है, यानी कि एक बरस धान का पूरा हो गया, धान पैदा होने का एक बरस पूरा हो गया। धान लक्ष्मी बरस को बाद में, क्योंकि धान ही बाद में कैश में बदलने लगा, जो सोने और चांदी में बदलने लगा, तो इसको फिर धन कहने लगे। धान में और धन में थोड़ा सा अंतर हुआ मगर मतलब वही रहा। तो इसको धन और लक्ष्मी का जो संस्कृत भाषा है आधे कै और खै का, उसको छ बना दिया तो लक्ष्मी हो गया। तो धान की जगह धन और लक्ष्मी की जगह लक्ष्मी और बरस की जगह वर्षा हो गया या बरस हो गया, वो लगभग सेम रहा, सिर्फ उसमें सह का अंतर आया जो आधे रह का, जो पाली के अंदर नहीं है, पाली के अंदर बरसा बोला जाता है। तो ये जो फोटो है ये बताता है कि ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल किसानों का है। भारत में यही फेस्टिवल सारे सारे मनते थे। आप जो भी फेस्टिवल खोदेंगे पुराना, वो फेस्टिवल लगभग ऐसा ही आपको मिलेगा। धान उत्सव बहुत पुराना उत्सव है, क्योंकि धान बहुत पुराना पौधा है। जो व्यक्तियों के नाम हैं और महिलाओं के नाम हैं वो भी धान से पड़े हुए हैं, जैसे धानवती जो बाद में धनवती हुआ, या धानपति जो बाद में धनपति हुआ, या धानवंतु इसका मतलब धनवंतु हुआ, धनवान हुआ। ये शब्द हैं जो महिलाओं के हैं। और पुरुषों के नाम जिसमें धान सिंह का धन सिंह हो गया और धानपाल का धनपाल हो गया, यानी जितने भी धन से संबंधित नाम हैं वो पहले धान के नाम रहे हैं, सभी जानते हैं, क्योंकि धन बहुत बाद में शब्द आया है। धन भी बहुत बाद में लोग कहने लगे, क्योंकि कागज़ के नोट कागज छपने के बाद आए। जो सिक्के हैं वो सिक्के तब आए जब धातु का आविष्कार हुआ, जब धातु आई तो धातु के सिक्के आए। इससे पहले धन नहीं होता था, एक्सचेंज होता था, यानी कि जितने गुड्स हैं, जितने सामान हैं, धान के बदले में कोई आदमी सब्जी लेगा, या धान के बदले में कोई आदमी कुछ काम करेगा,
या धान के बदले में कोई लकड़ी लेके आएगा। ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी कि सामान का लेन देन धान से हुआ करता था, इसलिए जिसके पास जितने धान उतना ज़्यादा वो धनवान। उत्सवों का जो झगड़ा चल रहा है, ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि उत्सव कोई भी या उत्सव या फेस्टिवल एक दिन में नहीं बनता और इसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। जैसे उत्सव के दो प्रमुख कारण हैं, एक है कोई मनुष्य बेस्ड घटना, यानी कि कोई मनुष्य है जो अनलाइटेड हो गया, जानकारी हो गई, जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा हो गई, लोग उसको मानने लगे, उसके एक्सपायर होने का यानी कि उसके निर्वाण प्राप्त होने का या उसके मरने का दिन, उसके पैदा होने का दिन, या जिस दिन उसको ज्ञान प्राप्त होता है वो दिन, या जिस दिन वो लोगों को इकट्ठा करके कोई नई बात बताता है वो दिन, ये सब लोगों के ध्यान में आती चली जाती हैं। और जगह जगह छोटे बड़े कह सकते हैं कि संत छोटे बड़े जिसका जितना कार्य क्षेत्र हो उसके नाम से वो दिन पूरी दुनिया में बन जाते हैं। ये व्यक्ति आधारित होते हैं। बाद में आज की डेट में आप देख सकते हैं, जैसे किसी ने संविधान लिखा या किसी ने कहीं कोई देश को आज़ाद कराया या देश को कहीं कोई गुलाम बनने से रोका, ये घटनाएं चलती रहती हैं, ये लगातार चलती रहेंगी जब तक ये दुनिया रहेगी। दूसरा होता है घटना आधारित। घटना आधारित क्या होता है, जैसे कृषि प्रधान देश है भारत, तो यहाँ कृषि की जितनी घटनाएं होती हैं उन पर आधारित बहुत सारे उत्सव, लगभग सारे उत्सव उसी आधार पर हैं। या मौसम पर आधारित होते हैं, जब मौसम बदलता है कहते हैं बसंत बहार, बसंत का उत्सव आ गया, या गिमी का आ गया, ग्रीष्म का आ गया, या शरद का उत्सव आ गया, या पतझड़ का उत्सव आ गया, या बारिश का उत्सव आ गया, ये चलते रहते हैं। और जो व्यक्ति के आधार पर हैं वो अलग हैं। इन दो के अलावा कहीं भी कोई उत्सव बनने के चिन्ह दिखाई नहीं देते। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो नए उत्सव डेवलप होने में टाइम लगता है। जैसे 26 नवंबर भारत में जो संविधान दिवस है उसको डेवलप होने में पिछले 10-15 साल से लगातार कोशिश जारी है और लोग उसको अब धूमधाम से मनाने लगे हैं। जो लोग संविधान में यकीन करते हैं वो संविधान दिवस को दिवाली उत्सव से भी या दीपावली उत्सव से भी ज़्यादा बड़ा उत्सव करने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं और वो इसमें लगे हुए हैं। जैसे दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पर लोग 26 नवंबर को पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, उसको उन्होंने राष्ट्रीय पिकनिक डे घोषित किया हुआ है, नेशनल पिकनिक डे करके। बाकी जगह अलग अलग, कहीं कोई संगोष्ठी, कहीं कोई यात्रा, कहीं कोई कार का आना जाना, कहीं कोई रैली, कहीं कोई पैदल मार्च, कहीं कोई कविता पाठ, कहीं कोई काव्य पाठ, ये सब लगातार फंक्शनों का है। कहीं कोई मिठाई बांटता है, कहीं कोई नए कपड़े पहनता है, कहीं कोई संविधान पढ़ता है, कहीं संविधान की देशना देता है, कहीं संविधान बांटता है, कहीं संविधान सिखाता है, कहीं संविधान के बारे में आता है। 26 नवंबर अब आप नेट पर सर्च मारेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और पूरी दुनिया में 26 नवंबर लोग मनाने लगे हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा 14 अप्रैल का जो फेस्टिवल है वो लगभग एस्टैब्लिश हो चुका है, स्थापित हो चुका है। अब 14 अप्रैल लोगों को याद रहता है पूरे साल भर। साल में उन्हें याद रहता है कि हमें 14 अप्रैल को पार्लियामेंट जाना है दिल्ली के अंदर, या मुंबई में कहाँ जाना है, या कलकत्ता में कहाँ जाना है, या उसके बाद लगातार पूरे अप्रैल में ये उत्सव चलते हैं। और भी जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों के भी उत्सव धीरे धीरे बनने लगे हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए कि जो दीपावली जैसा या धम दीपोजान जैसा जो उत्सव है ये बहुत पुराना बना हुआ उत्सव है, ये एक दिन में नहीं बना है, हजारों सालों में इसको बना हुआ है। इसलिए ये लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, लोगों के मन मस्तिष्क में, लोगों के मन में पूरे साल चलता है। यानी कि अभी दिवाली गई है तो अगली दिवाली भी उनके दिमाग में आ जाती है और इसकी डेट पहले से ही तय हो जाती है कि ये अमावस वाले दिन पड़ेगा जो कार्तिक मास के अंदर आती है, तो सबको पता है। इसलिए इसमें मौसम भी बहुत बढ़िया रहता है और ये धान का उत्सव भी होता है और फिर बुद्ध से भी संबंधित है, और भी लोगों ने बाद में इसमें जुड़ते चले गए और भी लोग अपने अपने नाम इसमें डालते चले गए, तो ये और बड़ा होता चला गया और ये पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर फैल गया। ये बेसिकली इंडिया का उत्सव है। उत्सव जो होते हैं कुछ गाँव के होते हैं, कुछ मोहल्ले के होते हैं, कुछ कस्बे के होते हैं, कुछ शहर के होते हैं, कुछ ज़िले के होते हैं, कुछ पूरे प्रांत के होते हैं, कुछ देश के होते हैं और कुछ इंटरनेशनल भी आज की डेट में बनने लगे हैं। इंटरनेशनल जो उत्सव हैं उनमें आप देखेंगे जैसे लव डे है, फ्रेंडशिप डे है, या ब्रदर डे है, या फादर डे है, मदर डे है, अर्थ डे है, एनवायरमेंटल डे है, पॉल्यूशन डे है, या जो वैक्सीन के डे हैं, पोलियो डे है, ये सारे डे जितने भी हैं ये इंटरनेशनल डे हैं। इनको आप इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के नाम से देख सकते हैं, जान सकते हैं, जो आने वाले समय में बढ़ते जा रहे हैं। और लगभग अब से 100 साल बाद या 200 साल बाद अगर पृथ्वी पर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर इंटरनेशनल उत्सव और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्लोबल उत्सव है, इनको पूरी दुनिया एक साथ मनाती है और एक साथ मनाएगी तो ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इसलिए कोई अगर उत्सव भारत के अंदर है तो ये आप सोचें कि उत्सव जो है वो पुराना किन लोगों ने कैसे स्थापित
किया होगा। एक प्रश्न जो आया बड़े कमाल का है कि कुछ लोगों ने यह कहा कि अगर दीपोदान उत्सव या धम्म दीप प्रकाश उत्सव या धम्म का दीप जो आपने जलाया है, इसका जो उत्सव है या फेस्टिवल है, अगर बुद्ध धर्म बाहर है तो बाहर के लोग क्यों नहीं मनाते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर दीपोदान उत्सव यहाँ मनता है तो वहाँ क्यों नहीं मनता। भारत से जो गया है वो धम्म गया है, कल्चर नहीं गई है, यानी भारत से जाने वाली कल्चर नहीं है। जैसे जापान के अंदर उन्होंने अपने जो आप उनका जैन है, जैन के साथ में उन्होंने बुद्ध की जो कल्चर है, बुद्ध की जो फिलॉसफी है, बुद्ध का जो शिक्षा है, जो सिखा है, वो लिया है खाली, बाकी कल्चर उनकी अपनी है। थाईलैंड में उनकी अपनी कल्चर है, कंबोडिया में उनकी अपनी कल्चर है, भारत से सिर्फ प्रिंसिपल गया है, यानी कि जो फिलॉसफी है, जो धम्म है, जो सार है, वो गया है। कल्चर कभी नहीं जाती। इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए कि भारत से धम्म गया, भारत की कल्चर नहीं गई। इसी प्रकार विदेशों से जो लोग भारत में आए, उन्होंने वो अपनी कल्चर को साथ लेके नहीं आ पाए। कल्चर भारत की ही है, वो सिर्फ वहाँ से मारकाट या हथियार या जो भी कुछ लेके आए, राजसत्ता की कल्चर सारी सारी भारत की है। कल्चर किसी कंट्री से जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं, और जब भारत से देश बाहर गया ये धम्म, तो जाने वाले जो भिक्खु थे वो बहुत थोड़े थे। वहाँ के अपने कल्चर, अपने मौसम के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से हैं, मगर धम्म में उनमें मिक्स हो जाता है, धम्म उनमें जाके मिक्स होके और प्रिंसिपल में रहता है। इसलिए ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। इसलिए वहाँ धम्म दीप दान उत्सव नहीं मनाते, मगर वहाँ धम्म प्रकाश उत्सव मनाते हैं। धम्म प्रकाश उत्सव का मतलब है कि जो धम्म है उसका प्रकाश कैसे फैलाया जाए, उसकी वहाँ उन्होंने प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, उसकी फिलॉसफी बनाई हुई है। ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए इस झगड़े में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि ये धम्म दीप दान उत्सव यहाँ का है या नहीं है, क्योंकि जो त्रिपिटक की मान्यता है, त्रिपिटक की एक बहुत लंबी यात्रा है, लगभग 2600 साल पुराना त्रिपिटक है, और त्रिपिटक पहले लिखित में नहीं था, लिखित में बहुत बाद में बना, और त्रिपिटक में स्क्रिप्ट और लिखित के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो त्रिपिटक को मानने वाले लोग हैं, खासतौर पर भारत में हैं, उनकी तो शिक्षा ही जा चुकी थी, उनके पास तो अक्षर ज्ञान ही नहीं था, उनके तो पूर्वज तीसरी पीढ़ी से पढ़ने शुरू हुए हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो अम्बेडकराइट लोग हैं या जो बुद्धिस्ट लोग हैं भारत के अंदर, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपके दादा पढ़े लिखे थे, तो कहीं हजार में एक दो कहेगा कि दादा पढ़े लिखे थे या चौथी पाँचवीं थे, बाकी उनके फादर पढ़े हैं वो पढ़ रहे हैं या उनके बच्चे आने वाले हैं। तो तीसरी पीढ़ी से पहले का तो कहीं पढ़ाई का है नहीं, तो त्रिपिटक को आप कैसे संभालोगे, कैसे देखोगे। मगर उसमें सूत्र है कि त्रिपिटक में जो लिखा हुआ है उसको चेक किया जा सकता है कि वो ठीक है या नहीं है। उसको आप विपस्ना के थ्रू, उसको आप लोक जो गीत हैं उनके थ्रू, उसमें जो लोक मान्यता है उनके थ्रू, जो क्रियाकलाप होते चले आ रहे हैं उनके थ्रू, आप ये पता कर सकते हैं कि त्रिपिटक में जो लिखा हुआ है वो ठीक है या नहीं, उसमें उसको चेक करने का है। इसलिए त्रिपिटक से छेड़छाड़ अगर हुई भी है तो वो ठीक हो जाएगा। आप त्रिपिटक को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, आपको जानकारी होगी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी जिन लोगों ने त्रिपिटक का अध्ययन करना शुरू किया है उसमें बहुत सारी चीज़ हैं, लगभग तमाम चीज़ें आपकी हैं, जिनको आप सोच भी नहीं सकते वो भी आपकी हैं, क्योंकि देश आपका है तो वो चीज़ें बाहर से नहीं आई हैं, वो भी आपकी हैं। आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि आपने 60 साल से 70 साल से कुछ और सीखा है, 50 साल से कुछ और सीखा है। त्रिपिटक को पढ़ना अभी लोगों ने आरंभ किया है, उससे पहले जितने लोग थे वो सिर्फ पंचशील और त्रिशणी पढ़ाते थे और उसका भी अर्थ नहीं बता पाते थे। भिक्खु बहुत इनिशियल स्टेज में थे, उनको पढ़ाने वाले लोग नहीं थे। बाबा साहब ने धम्म दिया मगर धम्म को पढ़ाने का इंतजाम इससे पहले वो करते, उनकी आँख बंद हो गई। इसलिए ये दायित्व आपका है कि आप त्रिपिटक पढ़ें, आप जानकारी लें, जानकारी का मंथन करें, खूब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, खूब वाद विवाद करें। जितना वाद विवाद करेंगे उतना आपका मन मस्तिष्क दिमाग तेज होगा, उतना ही उससे निकल के अच्छा कुछ आएगा। आपने कहावत सुनी होगी, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन की, इसको पाली में बोलते हैं समुद्र मंथन, यानी मत्थ का समुद्र करना है, यानी जो मत्था है, माथा है, जो दिमाग है, उसका मंथन करना है। समुद्र जो है वो सारा का सारा सार है, हमारा शरीर है, तो इस सारे शरीर का मंथन करना है, इसको देखना है। इसमें से अच्छाई भी निकलेगी, इसमें से बुराई भी निकलेगी, यानी शरीर के अंदर से अच्छाई भी निकलेगी, बुराई भी निकलेगी, तब आप उसमें अंतर कर पाएंगे, तब उसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। धन्यवाद।